मैंने सब कुछ बहुत ही परफेक्टली प्लान किया है, देख लेना कल सुबह हमारा नया ऑफिस बहुत ही ग्रैंड तरीके से स्टार्ट होगा। और मैम इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? अरे संभाल के, इसमें बहुत ही कीमती सामान है, अगर कुछ भी टूटा तो तुम्हारे पेमेंट में से पैसे काट लूंगी। मैम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ संभाल लो। Excuse me, एक मिनट। क्या पता चला? सर इसे किसने गोली मारी? जरा पलटो बॉडी। गोली आर पार हो गई है। हाँ सर। किसी ने देखा गोली चलाने वाले को? नहीं सर। अच्छा, गोली की आवाज? नहीं सर, किसी ने आवाज भी नहीं सुनी। गोली चलाने वाले को नहीं देखा, गोली चलने की आवाज नहीं आई, मतलब मारने वाला पूरी तैयारी के साथ आया था, साइलेंसर लगा के मारा है। सर आदमी ऊपर से गिरा है, यहाँ पे। वहाँ ऊपर से? हाँ सर। किसी ने देखा ऊपर से गिरते हुए? हाँ सर, इन लोगों ने। क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पे? सर मैं यहाँ खड़े होकर अपने असिस्टेंट से बात कर रही थी और अचानक से ये लाश ऊपर से मुंह के बल यहाँ आ गिरी। गोली चलने की आवाज सुनी आप लोगों ने? जी नहीं सर। चीखने चिल्लाने की? जी बिल्कुल भी नहीं। कौन है ये आदमी आप लोग जानते हैं? नहीं सर। नहीं सर। ये यहाँ काम नहीं करता क्या? I don't think so. नहीं सर। तुम सिक्योरिटी इंचार्ज हो ना यहाँ के? हाँ साहब, मैं ड्यूटी करता हूँ यहाँ। कौन है ये आदमी, कब आया यहाँ? पता नहीं साहब वो। पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पे? इसकी एंट्री नहीं लिखी क्या? साहब रजिस्टर में एंट्री तो की होगी साहब, लेकिन चेहरा इतना पिचक गया है साहब, पहचानना मुश्किल है साहब। अच्छा किसी को भागते हुए देखा यहाँ से? नहीं साहब। कोई आईडी वगैरह? सर आईडी वगैरह तो नहीं है, पैंट के अंदर वाली जेब में ये ड्रग्स का पैकेट है। ड्रग्स का पैकेट? सर ये देखिए। ये तो रस्सी का निशान। लेकिन सर ये आदमी ऊपर रस्सी के साथ क्या कर रहा होगा? एक और लाश। विजय जी। सर आप जानते हैं इन्हें? हाँ ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, पिछले साल ही रिटायर हुए थे। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर? सर यहाँ क्या करने आए होंगे? सीने पे गोली मारी है। सर इनको भी गोली आर पार हो गई, पहली लाश की तरह। My God. इनको भी गोली मारी? और नीचे जो लाश पड़ी है उसे भी? सर कहीं इन दोनों का आपस में कोई संबंध तो नहीं? संबंध है पूर्वी, संबंध है। ये देखो इनके हाथ देख रहे हो, इनके हाथ पे भी वैसा ही रस्सी का निशान है जैसा नीचे वाली लाश पे। सर लाश फॉरेंसिक भिजवा दी। माय गॉड। क्या हुआ सर? ये सब क्या हो रहा है?
तीन तीन लाशें। सर इसे भी गोली मारी है। सर एग्जिट वुंड नहीं, मतलब सर गोली अभी भी अंदर है। सर बाकी दो को गोली आर पार हो गई है, इन्हें नहीं। क्या चक्कर है सर? सर इसके हाथ पे भी रस्सी के निशान। एक बात नोट की तुम लोगों ने, तीनों के हाथ में रस्सी का निशान है, तीनों को गोली लगी है, लेकिन तीनों को गोली अलग अलग जगह पे लगी है। जो आदमी नीचे पड़ा है उसको गोली सीने के निचले भाग पे लगी है, विजय जी को सीने के बीच में और इस आदमी को गले में। तीन गोलियां तीन अलग अलग जगह पे। सर हो सकता है खूनी तीन अलग अलग लोग हों? हो सकता है, मगर कितनी अजीब बात है, तीन तीन खून हुए हैं यहाँ पे और किसी ने भी खूनी को देखा नहीं। इधर आओ। जी साहब। इन्हें पहचानते हो? साहब ये तो विक्रम जी हैं। विक्रम जी कौन है? इनका ऑफिस नीचे ही है। नीचे ही ऑफिस? जी। निखिल इसके साथ जाओ और ऑफिस में से किसी को लेके आओ यहाँ पे। सर आइए। सर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, दूसरा बिजनेसमैन और तीसरे की जेब से हमें ड्रग्स मिले, ये तीनों टेरेस पे क्या कर रहे थे? सर शायद ये विक्रम ड्रग्स लेता हो और दूसरे आदमी से खरीदता हो जो शायद एक ड्रग डीलर हो। हम अगर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर विजय जी ये यहाँ पे क्या कर रहे थे? सर सर ये सुनील जी, विक्रम जी के मैनेजर। किसने मारा इन्हें? सर सर मुझे खुद भी झटका लगा जब मुझे सिक्योरिटी वाले ने बताया। आज ही ऑफिस आए थे? जी सर, इनफैक्ट विक्रम सर मेरे साथ ही मीटिंग में थे। जब ये आपके साथ मीटिंग में थे तो वो यहाँ कैसे पहुँचे? जी वो तकरीबन एक बजे सिगरेट पीने के लिए ऊपर आए थे। ये सिगरेट पीने हमेशा यहीं पे आते थे? जी। अच्छा, जब ये निकले थे तो इनके साथ में कोई और आदमी था या अकेले थे? जी नहीं कोई नहीं था। कोई भी नहीं था? नहीं। सर हो सकता है विक्रम जी ने दोनों को बुलाया हो ऊपर टेरिस पे। हाँ मगर एक बिजनेसमैन को क्या काम आ पड़ा एक ड्रग वाले से और एक पुलिस वाले से। मुझे नहीं आना है। अरे क्या बचपना है फ्रेडी, चलो अंदर। मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं आना है। अरे नाराज होने से क्या फायदा है यार? बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। क्या हुआ? आज फ्रेडी सर के मिजाज क्यों खराब है? अब क्या बताऊं तारिका जी,
ये डॉक्टर साहब, इनकी वजह से हो रहा है सब। क्या डॉक्टर साहब, क्या कह दिया आपने फ्रेडी को? अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। कमाल करते हो यार, मैंने क्या कह दिया भाई? ए फ्रेडी, यहाँ इधर इधर, कम कम। क्यों भाई, क्या बात है? मैंने क्या कहा तुमसे? परसों तो आपने कहा था ना, फॉरेंसिक लैब में आना है तो दिमाग का ताला खोल के आना है, वरना आना ही नहीं है। हाँ यार, तो ठीक ही कहा। अरे तुम लैब में आते ही इतने टेढ़े मेढ़े सवाल करने लगते हो, तो कहना तो पड़ेगा, इसमें नाराज क्यों होते हो यार? अरे जाने दीजिए डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसे केस आ जाते हैं कि दिमाग में टेढ़े मेढ़े सवाल उठने लगते। अब इस केस में लीजिए, तीन तीन लोगों को गोली लगी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि गोली चली कहां से। हवा में से। क्या? हवा में से? हाँ, और इन तीनों की मौत एक ही गोली से हुई है। क्या, एक ही गोली से? हाँ अभिजीत, तीनों को एक ही गन से और एक ही बुलेट से मारा गया है। हवा में से गोली चली, एक गोली से तीन लोग मर गए। तीन तीन लोग मर गए? अरे ये कैसे हो सकता है सर? फिर आप कहेंगे कि फ्रेडी टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता रहता है। नहीं फ्रेडी, एक बार तो वाकई सवाल ने मेरी भी खोपड़ी घुमा दी थी, लेकिन बाद में दिमाग लगाया और घाव को अच्छी तरह से देखा तो समझ में आया। घाव देख के क्या क्या समझ में आया, हमें भी तो समझाइए। मैं बता दूं, ये देखो इसके घाव को देखो, इस आदमी को गोली यहाँ सीने पर लगी है। वो तो साफ दिखाई दे रहा है। अरे यार, पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए सचिन। अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये भी तो दिखाई दे रहा होगा कि इसे यहाँ सीने से काफी ऊपर गोली लगी। और ये देखो, इस आदमी को गोली गर्दन पर लगी। तो ये अभिजीत, ये तीनों लोग एक ही लाइन में खड़े हुए थे, आगे पीछे, और ये पहला वाला आदमी खूनी से करीब 1.5 से 2 फीट की दूरी पर था, और खूनी ने गोली नीचे से चलाई। यो लो, फिर से बम फोड़ दिया। अरे डॉक्टर साहब, मेरा नहीं फ्रेडी का तो ख्याल करो, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए फ्रेडी, आ जा। तीनों अपनी मौत को खींच रहे थे। सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उन तीनों मरने वालों का आपस में कनेक्शन क्या है। फ्रेडी एक एक्स पुलिस ऑफिसर विजय है, दूसरा बिजनेसमैन विक्रम, और तीसरा वो आदमी जिसके पास से हमें ड्रग्स मिले थे। तीनों के तीनों एक साथ उस बिल्डिंग के छत पर थे। क्यों? कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा ना उस तीनों के बीच में, इसीलिए तो वहां उस छत पर थे एक साथ। सर, ड्रग्स का चक्कर हो सकता है, शायद वहां कोई ड्रग डील हो रही हो। अगर ऐसा है तो फिर वो एक्स पुलिस ऑफिसर वहां पे कर क्या रहा था? हो सकता है वो एक्स पुलिस ऑफिसर उस ड्रग का गैंग मेंबर, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी का पीछा कर रहा हो। कि हमें पता लगाना चाहिए उस तीसरे आदमी का, वो तीसरा आदमी जिसके पास से वो ड्रग्स मिले थे, वो कौन है? मगर सर, उन तीनों को इतनी प्लानिंग करके मारा किसने होगा? मारा जिसने भी हो, पर वो वहां शायद सिर्फ एक को मारने आया होगा, और बाकी के दोनों बस गेहूं में घुन की तरह पिस गए। रजत हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक बात पक्की है कि उन तीनों के हाथों पर रस्सी के निशान थे। रस्सी के, तीनों के तीनों करने क्या गए थे रस्सी के साथ बिल्डिंग के छत पर? चक्कर क्या है रस्सी का? एक बात और, विक्रम के मैनेजर ने हमने बताया था कि उसने कभी भी विक्रम के मुंह से
विजय का नाम नहीं सुना था। मतलब विक्रम विजय को जानता नहीं था, है ना? जी सर। हो सकता है विजय विक्रम को जानता हो, तो पता लगा। देखो देखो क्या संबंध था विजय और विक्रम के बीच में, क्या संबंध था। डॉक्टर सारुंखिया ने बताया था कि पहले आदमी को खूनी ने 2-3 फीट की दूरी से गोली मारी है, और वो भी नीचे के एंगल से। पहले आदमी को सीने पे लगी, दूसरे को सीने पे ऊपर, और तीसरे को गले में लगी। इसका मतलब खूनी यहां से बाहर लटक रहा था। पर सर, कोई ऐसे हवा में से गोली कैसे चला सकता है? और भी उन तीनों के हाथ में रस्सी के निशान थे, तो शायद उन तीनों ने ये रस्सी पकड़ी होगी और खूनी उसी रस्सी के दूसरे सिरे पे नीचे लटका होगा। पर सर, खूनी रस्सी से लटका क्यों होगा? और अगर लटका था तो तीनों रस्सी खींच क्यों रहे थे, उसकी मदद क्यों कर रहे थे? शायद उन्हें मालूम नहीं होगा कि नीचे लटका हुआ आदमी खूनी है और उनकी जान लेने वाला है। उसने मदद मांगने के बहाने से इन तीनों को यहाँ बुलाया और नीचे लटक के उनको गोली मार दी। लेकिन सर, उसने बिल्डिंग से लटकने के लिए वजह क्या बताई होगी? बिल्डिंग से बाहर लटकने की क्या वजह हो सकती है? बिल्डिंग से कौन आदमी बाहर निकले? वही जो साफ सफाई का काम कर रहा हो, वेल्डिंग का काम कर रहा हो, या फिर पेंटिंग का काम कर रहा हो। शोभा जी, क्या विजय जी किसी बात को लेकर परेशान थे? जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, मगर अपने पुराने केस को लेकर थोड़ा एक्साइटेड थे। एक्साइट थे? किस केस को लेकर? जी, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि काम की बातें वो मेरे साथ डिस्कस नहीं करते थे। जी, विजय जी किसी विक्रम नाम के आदमी को जानते थे? ये नाम तो मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना। कल घर से निकलने से पहले उन्होंने कुछ कहा था आपको, या फिर बताया हो कि वो कहाँ जा रहे हैं? जी, बताया तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, निकलने से पहले एक फोन आया था। फोन मोबाइल पे आया था या लैंडलाइन पे? जी, वो लैंडलाइन पर। ये फोन कितने बजे आया होगा? यही 12:30 के करीब। फ्रेडी, चेक करो, देखो 12 से 12:30 के बीच किस नंबर से फोन आया था। सर, 12 और 12:30 के बीच सिर्फ एक ही फोन आया था, कोई लैंडलाइन नंबर है? फोन करो उस लैंडलाइन पर, देखो कहां का नंबर है। यस। हेलो, हाँ, अब कहाँ का नंबर है ये? क्या? ओके, थैंक्स। क्या हुआ सर? जिस नंबर से विजय जी को फोन किया गया था वो विक्रम के ऑफिस का है। क्या, विक्रम के ऑफिस का? विक्रम के ऑफिस से किसने फोन किया होगा और क्यों? सुनो। सलाम साहब। सलाम। अच्छा, इस बिल्डिंग में कल कुछ काम चला था, पेंटिंग का, वेल्डिंग का, या साफ सफाई का? हाँ साहब, वेल्डिंग का काम चल रहा था। कहाँ पर? 7वें माले पर विक्रम जी का ऑफिस है ना, उसके विंडो के बाहर काम चल रहा था। अच्छा, ये वेल्डर छत से लटक के काम कर रहा था? हाँ साहब, लटक के काम कर रहा था। नाम क्या है उसका, रहता कहाँ? सर, पता नहीं किसने फोन किया, हम तो किसी विजय नाम के आदमी को जानते भी नहीं है। शायद विक्रम ने फोन किया हो। मगर विक्रम सर क्यों फोन करेंगे जब वो किसी विजय नाम के आदमी को जानते ही नहीं थे। हेलो सर, मैं रोहित, विक्रम का छोटा भाई। मिस्टर रोहित, आपके भाई विक्रम ने कभी आपके सामने विजय नाम के किसी आदमी का जिक्र किया था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपका भाई ड्रग्स लेता था? ड्रग्स तो लेता था सर, लेकिन ये बात 1 साल पुरानी है। 1 साल पुरानी बात, मतलब? दरअसल 1 साल पहले एक हादसे की वजह से भाई ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया था। हादसा? कैसा हादसा? एक प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें भाई भी था। किस्मत अच्छी थी कि उसमें से 2 लोग बच निकले, एक भाई और एक औरत। एक्चुअली सर, जिंदगी ने विक्रम सर को एक और मौका दिया, वो ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शराब और ड्रग्स को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था।
अगर विक्रम सचमुच में बदल गया था, उसने ड्रग्स भी छोड़ दी थी, तो वो ड्रग्स वाले आदमी के साथ छत पे क्या कर रहा था? सर तीन तीन लोगों का खून किया है तूने। नहीं साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। देख, झूठ मत बोलो, सच सच बता। अरे साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो दोपहर 1 बजे खाना खाने गया था, और जब लौट के वापस आया तो गार्ड ने कहा कि अंदर मत जाओ, खून हो गया है, काम मत करो, जाओ। फंसने के बाद हर अपराधी ऐसे ही कहता है। सच तो ये है कि तूने उन तीनों का खून किया और वहां से भाग गया। नहीं मैडम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। फिर एंट्री बुक में बाहर जाने का टाइम क्यों नहीं लिखा? मैं जल्दी जल्दी में निकल गया था, और वैसे भी खाना खाने के बाद वापस काम पे ही आना था, इसीलिए मैंने साइन नहीं किए। अच्छा आप ये बताइए, कल विक्रम से मिलने कौन कौन आए थे? सर रोज की तरह कल भी 10-12 मीटिंग्स थी उनकी। कोई खास बात उन मीटिंग्स के बारे में? वैसे तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन बहुत दिनों बाद कल ध्रुव सर आए थे। ये ध्रुव कौन है? सर ध्रुव भाई का एक्स बिजनेस पार्टनर। एक्स बिजनेस पार्टनर? हाँ सर, दरअसल 1 साल पहले भाई से उसने पार्टनरशिप तोड़ दी थी। क्यों? सर ध्रुव पाई पाई के लिए मोहताज हो गया था, और उसे लगता था कि इसकी वजह विक्रम है, जिसने सारा पैसा अपने नाम कर लिया। सर उस वक्त ध्रुव सर ने विक्रम सर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। कहाँ मिलेगा ये ध्रुव? सर घर के अंदर कोई गन नहीं मिली। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर खूनी ने तुम्हारा ही भट्टा और तुम्हारी रस्सी कैसे इस्तेमाल की? सर ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन खून मैंने नहीं किया साहब, मैंने खून नहीं किया। एक बात बताओ, जब तुम वहाँ पे काम कर रहे थे, तब तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा जो तुम पे नजर रख रहा हो, खास करके उस समय जब तुम छत के आसपास रहे हो? नहीं साहब। अगर ये सच कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसके जाने के बाद 1 बजे खूनी वहाँ पे आया और इसी की रस्सी और इसी का फट्टा इस्तेमाल किया, और इसके आने से पहले खून करके वहां से निकल गया। अच्छा तुमने वहाँ कुछ ऐसा देखा या सुना जो तुम्हें अजीब सा लगा? मैडम 7th फ्लोर की खिड़की के बाहर में वेल्डिंग कर रहा था कि मुझे अचानक अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, ऐसा लगा कुछ गिर के टूट गया हो, और शायद वहाँ पर कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े की भी आवाज़ आ रही थी, मगर वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, ये मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा ये सब हुआ कितने बजे? सर यही करीब 11:30 बजे। 11:30 बजे। अच्छा ये बताओ कि कल 11:30 के बीच तुम विक्रम के ऑफिस में गए थे? हाँ गया था। क्यों? कुछ काम था। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या काम था? आप लोगों को इससे क्या लेना देना है? लेना देना है मिस्टर, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्या काम था। आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं मेरे साथ। ये दादागिरी नहीं मिस्टर ध्रुव, शरापत से पूछ रहे हैं, बता दीजिए। कुछ पर्सनल काम था। देखिए ये घुमा फिरा के बातें करना बंद कीजिए, और शराफत से वो बताइए जो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर हम दादागिरी पे उतर आए ना तो तोते की तरह बोलना शुरू कर देंगे आप। मैं विक्रम से कुछ काम की बातें करने गया था। बात करने गए थे या जान से मारने की धमकी देने गए थे? धमकी? मैं भला उसको धमकी क्यों दूंगा? तो फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा किस बात पे हुआ? सर वो झगड़ा नहीं था, एक मामूली सा आर्गुमेंट था। अच्छा मामूली सा आर्गुमेंट था? ये तो काफी महान इंसान मालूम होते हैं। आपके लिए चीखना चिल्लाना चीजों को तोड़ देना ये सब एक छोटी सी आर्गुमेंट। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, हमारी बहस जरूर हुई थी लेकिन उसके बाद सुलह भी हो गई थी। सुलह नहीं हुई थी, बल्कि उस मामूली कहा सुनी के बाद तुमने उसका खून कर दिया। देखिए मैडम, मैं मानता हूँ कि मेरा विक्रम के साथ आर्गुमेंट हुआ था और मैंने गुस्से में वाद भी तोड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसका खून कर दूंगा। पर किसने किया खून? मुझे नहीं मालूम सर, विक्रम मेरा दोस्त था, मैं भला उसका खून क्यों करूंगा? दोस्त?
मगर विक्रम के साथ तुम्हारी पार्टनरशिप टूटे हुए 1-1.5 साल हो गए ना, और तुमने कसम भी खाई थी कि तुम उसे बर्बाद कर दोगे। वाह, क्या दोस्ती है। लेकिन वो तो काफी पुरानी बात है, और कभी गुस्से में कह दिया होगा। तो फिर तुम्हारी विक्रम के साथ कहां सुनी, किस बात पे हो गई थी? सर, मैं विक्रम के ऑफिस अपना कंपनसेशन लेने गया था, जो कि मुझे हर कीमत पर चाहिए था। मगर क्या? मगर सर, विक्रम ने कंपनसेशन देने के लिए साफ इनकार कर दिया। उल्टा वो तो मुझे अपने ऑफिस से बाहर निकालने की बात करने लगा। फिर क्या हुआ? फिर सर, मैंने विक्रम को उसके किए हुए सारे फ्रॉड याद दिलाए। वो तुरंत मेरे सारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार हो गया। भरपाई करने को तैयार हो गया? हाँ सर, उसने चेक भी काट के दिया मुझे। चेक दिखा। हाँ सर, इससे पहले मैंने कई बार विक्रम को उसके फ्रॉड की याद दिलाई, लेकिन हमेशा वो पैसे देने में आनाकानी करता रहा। फिर इस बार कैसे उसने चेक काट कर दे दिया? सर, मैं खुद भी बड़ा हैरान हूँ कि ये सब कैसे हो गया। कहीं विक्रम बदल तो नहीं गया? ये देखिए सर, विक्रम के साइन भी है। ये भी तो हो सकता है कि ये चेक तुमने विक्रम से जबरदस्ती लिया। सर, अगर जबरदस्ती करनी होती तो काफी पहले कर चुका होता। अच्छा, कल दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? मैं एक बिजनेस मीटिंग में था। आप चाहें तो पूछ सकते हैं। वो तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने विक्रम के आसपास ऐसा कुछ देखा या सुना जो अजीब सा लगा? हाँ सर, मैं जब विक्रम के ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो मैंने विक्रम को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहा था? सर, वो बड़ी टपोरी लैंग्वेज में बात कर रहा था। लेकिन वो बात किससे कर रहे थे? किससे? भीकू, भीकू नाम के किसी आदमी से बात कर रहा था। भीकू। सर, मैंने ध्रुव का बयान क्रॉस चेक किया, वो सच कह रहा है। 1 और 2 बजे के बीच में वो अपने ऑफिस में एक बिजनेस मीटिंग ही अटेंड कर रहा था। मतलब विक्रम का जब खून हुआ तब ध्रुव अपने ऑफिस में बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो फिर विक्रम का खून किया किसने, जबकि ध्रुव के अलावा विक्रम का कोई दुश्मन था ही नहीं। सर, आर्य, क्या पता चला भीकू के बारे में? सर, ये भीकू कुछ साल पहले तक अपने एरिया का मंझा हुआ गुंडा था, छोटे मोटे क्राइम्स करता था, लेकिन पिछले कुछ साल से वो ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, पर सिर्फ अमीर लोगों को अपने ड्रग्स बेचता था। अच्छा, एक और ड्रग डीलर। सर, जब मैंने भीकू की सारी डिटेल्स निकाली तो मुझे एक झटका लगा। कैसा झटका? सर, भीकू के फिंगरप्रिंट्स उस तीसरी लाश से मैच करते। वो लाश जिसके पॉकेट में हमें ड्रग्स मिले। भीकू के फिंगरप्रिंट्स उस तीसरी लाश के साथ मैच करते हैं, तो इसका मतलब है वो लाश भीकू की है। भीकू की? तो फिर ये भीकू कर क्या रहा था विजय और विक्रम के साथ उस बिल्डिंग के छत पर? ये नहीं हो सकता, मेरे पति की मौत नहीं हो सकती, वो नहीं मर सकते। ये देखिए, संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। किसने मारा मेरे पति को? कौन है? कौन है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। देखिए, हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि खूनी कौन है। आपने कभी विक्रम का नाम सुना? जी नहीं, मैं विक्रम को नहीं जानती। देखिए प्लीज, ध्यान से सोचिए, आपके पति भीकू ने कभी भी विक्रम के बारे में जिक्र किया था? जी नहीं। आप कम से कम ये तो जानती होंगी कि भीकू ड्रग्स का धंधा करता था। जी, ड्रग्स का धंधा करते थे। पिछले 7-8 महीने से वो एकदम सुधर गए थे। सुधर गए? अब ये अचानक कैसे सुधर गया भीकू? जी, वो ड्रग्स डीलर की जिंदगी से बहुत तंग आ गए थे। तंग आ गया था या कोई और बात थी? जी, वो तो मैं नहीं जानती कि कोई और बात थी या नहीं, मगर उन्होंने मुझसे कहा था कि अब हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए। क्यों? ऐसा क्या मिल गया था भीकू को जो वो गलत धंधे छोड़ने को तैयार था? उन्हें हर हफ्ते एक अच्छी खासी रकम मिल जाती थी, जिसमें हम लोग
आराम की जिंदगी जी लेते थे। अच्छी खासी रकम, वो भी हर हफ्ते। कहाँ से आते थे ये पैसे? जी वो मुझे नहीं मालूम, पर वो हर हफ्ते एक पैसों का पैकेट लेकर आते थे। पैसों का पैकेट? ये पैकेट होंगे आपके पास? जी। जरा दिखाएंगे कैसे हैं ये पैकेट? जी। भीखू जैसे आदमी को अचानक इतने सारे पैसे मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ड्रग्स का धंधा छोड़ के कोई और गलत काम शुरू कर दिया हो? हो सकता है विवेक, चोर चोरी से जाए, हीरा फेरी से नहीं। अरे ये तो विक्रम की कंपनी का इन्वेलप है। मतलब भीखू को पैसे विक्रम देता था, मगर क्यों? ये इन्वेलप कब लाया था वो? जी परसों लाए थे। परसों? एक काम करते हैं, इन नोटों की गड्डियों पर उंगलियों के निशान होंगे, उनसे पता चल जाएगा कि ये पैसे विक्रम ने दिए थे या किसी और ने। ये क्या, नोटों के बंडलों के ऊपर रघु की उंगलियों के निशान? हाँ सर। मगर रघु की तो एक साल पहले प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, तो फिर उसकी उंगलियों के निशान कहाँ से आए? वही तो फ्रेडी, वही तो। रघु की उंगलियों के निशान आए कैसे और कहाँ से? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उस प्लेन क्रैश में रघु की मौत हुई नहीं, रघु बच गया। बच गया रघु, वरना एक दिन पहले लाए हुए नोटों के बंडलों पर उसकी उंगलियों के निशान आएंगे कहां से? रघु बच गया उस प्लेन क्रैश में, रघु बच गया, लेकिन उस प्लेन क्रैश में विक्रम भी तो था। उस प्लेन क्रैश में विक्रम भी तो था ना, वो भी तो बच गया था। हाँ सर, उस प्लेन क्रैश में दो ही लोग बचे थे, एक औरत और दूसरा ये विक्रम। Exactly, वही तो। कैसे? मेरा तो दिमाग घूम गया सर। अब उस प्लेन क्रैश में सिर्फ एक आदमी बचा था, रघु अगर जिंदा था तो विक्रम की मौत हो जानी चाहिए थी ना। मगर सर विक्रम की लाश तो हमें उस बिल्डिंग की छत से मिली थी। सब समझ में आ रहा, सब समझ में आ रहा है। वे एक काम करो, रघु की उंगलियों के निशान विक्रम की लाश की उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखो, सब साफ हो जाएगा। यस सर। देखो सर, परफेक्ट मैच, रघु की उंगलियों के निशान विक्रम की लाश की उंगलियों के निशान के साथ मैच करते हैं सर। एग्जैक्टली, जिसे हम विक्रम की लाश समझ रहे थे वो विक्रम की लाश नहीं बल्कि रघु की लाश थी, रघु की लाश। मगर सर ऐसा कैसे हो सकता है, रघु ने अपना चेहरा ऐसे कैसे बदल दिया, विक्रम कैसे बन गया? ऐसा ही हुआ है विवेक, ऐसा ही हुआ है। बस उस हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ करो जहां पर इस प्लेन क्रैश के पैसेंजर्स को एडमिट किया गया था, वहीं पर विक्रम और रघु के चेहरे का पर्दा हट जाएगा और वहीं पर दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी। डॉक्टर साहब, पिछले साल जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके घायल पैसेंजर्स और डेड बॉडीज की देखरेख आप ही कर रहे थे? जी हाँ सर, मैंने और मेरी टीम ने की। जो लोग घायल हुए थे और जिनकी मौत हुई थी उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी हमें। वो प्लेन बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ था, हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन सिर्फ दो लोगों को बचा पाए और उनमें से एक का नाम था विक्रम। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब उस आदमी को यहाँ लाया गया तो वो किस हालत में था? जब उसे यहाँ लाया गया था उसकी हालत बहुत खराब थी, उसका शरीर बिल्कुल जल गया था, चेहरा तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। तो फिर आपने उनकी प्लास्टिक सर्जरी की? जी हाँ। डॉक्टर साहब, आपको इस बात का यकीन कैसे हुआ कि जिस आदमी का आप लोग प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं वो विक्रम ही है? हो सकता है वो कोई और था जिसे आप लोग विक्रम समझे? उस क्रैश के वक्त यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों को लाया गया था और सबकी हालत बहुत खराब थी और हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने पेशेंट की पहचान उनके सीट नंबर से की। उसी से पता चला कि वो विक्रम है और उसकी तस्वीर की मदद से उसका चेहरा ठीक किया।
जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। सर एक बात समझ नहीं आई, रघु को विक्रम का चेहरा तो मिल गया लेकिन उसके घर वालों ने उसके हाव भाव उसकी आदतों से कभी पहचाना नहीं कि विक्रम नहीं कोई और है। हो सकता है रघु विक्रम को अच्छी तरह से जानता हो इसलिए बड़ी आसानी से उसका हमशक्ल बन के उसकी जिंदगी जीने लगा। हमें यह पता करना चाहिए कि रघु और विक्रम इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन था। सर हाँ, रघु और विक्रम एक दूसरे को जानते थे। क्या? यस सर, रघु एक गैंगस्टर था और विक्रम के बिजनेस के लिए छोटे मोटे गैर कानूनी काम करता था और सर रघु की फ्लाइट की टिकट भी विक्रम की कंपनी ने बुक की थी। अच्छा, देखा किस्मत ने कैसे एक गैंगस्टर को बिजनेसमैन बना दिया। और मौके का फायदा उठाते हुए रघु चुपचाप विक्रम की जिंदगी जीने लगा। सर रघु और भिखू भाई भाई थे, शायद इसलिए रघु ने भिखू को छत पे बुलाया होगा। मगर एक्स पुलिस ऑफिसर विजय को क्यों बुलाया होगा? सर मैंने विजय के कुलीग से पता किया कि एक जमाने में रघु विजय का इन्फॉर्मर हुआ करता था। रघु विजय का इन्फॉर्मर हुआ करता था? बस तो रघु ने विजय को बुला लिया होगा कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर और एक बात। वो क्या? अब तक हमें लग रहा था कि खूनी विक्रम को मारना चाहता था। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी को ऑलरेडी पता हो कि विक्रम विक्रम नहीं रघु है और वो दरअसल रघु को मारना चाहता हो। मगर सर ऐसा कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा है? सर रघु को परसों रात किसी ने अपने घर में जाते हुए देखा है। लेकिन सर रघु अपने घर क्यों जाएगा? वो अगर वहां जाता है तो उसका पर्दाफाश नहीं हो जाएगा? लोगों को ये नहीं पता चल जाएगा कि वो विक्रम नहीं रघु है? रजत जरूर इस रघु के घर में कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जिसे मिलते ही रघु का पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन क्या हो सकती है वो चीज? ढूंढो उस चीज को, अच्छी तरह से तलाशी लो रघु के घर की, तलाशी लो। सर इतने बड़े पैकेज में क्या हो सकता है? खोल के देखते हैं। पेंटिंग्स? काफी महंगी पेंटिंग्स है ये। इतनी महंगी पेंटिंग्स ये रघु के पास कहां से आई? रघु तो अभी विक्रम बन के घूम रहा है ना, और सर अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ये पेंटिंग्स आसानी से खरीद सकता है। मगर रघु ने ये पेंटिंग्स यहाँ पे छुपाया क्यों? अगर ऐसा होता तो अपने घर पे सजा के रखता। सर फिर पता कैसे चलेगा कि ये पेंटिंग्स इस रघु तक कैसे पहुंची? एक आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, वो बता सकता है इन पेंटिंग्स के बारे में। ये देखो रॉको, एक बहुत ही महान इटालियन पेंटर जिसने ये पेंटिंग बनाई। अरे वाह सर, मुझे पता नहीं था आपकी पेंटिंग्स में इतनी दिलचस्पी है। हाँ जब कभी टाइम मिल जाता, वैसे ऐसा होता बहुत कम है, मेरे भी हॉबीज हैं। दया के पेंटिंग में इंटरेस्ट लेने का श्रेय थोड़ा बहुत मुझे भी जाता है। नमस्ते। नमस्ते, ये संजीव जी है, वर्ल्ड आर्ट एक्सपर्ट। संजीव जी यही है वो पेंटिंग जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। हाँ जी, तो बड़ी कीमती पेंटिंग्स है, इसको रशिया के पेंटर मैरोसामा ने बनाई थी, इनकी कीमत तो करोड़ों में है। इन पेंटिंग्स को लंदन के साउथ में ऑक्शन में बेचा गया था और मैं वहाँ था। आप बता सकते हैं कि ये पेंटिंग्स किसके नाम पे खरीदी गई थी? इनको खरीदने वाला और कोई नहीं, इंडिया के मशहूर आर्ट कलेक्टर यशवंत जी थे। सर ये यशवंत जी विक्रम के मामा हैं। यशवंत विक्रम के मामा है? और संजीव जी आपने ये क्यों कहा कि यशवंत आर्ट कलेक्टर थे? क्योंकि थे, अब नहीं है। आज से 3 साल पहले
आर्म रॉबरी में उनको मार दिया गया था और उनका सारा कलेक्शन लूट के ले गए थे। अगर उनका सारा आर्ट कलेक्शन लूट लिया गया तो फिर ये पेंटिंग्स रघु को कहां से मिली? सर, विक्रम के चाचा यशवंत के घर से जो पेंटिंग चोरी हुई थी उनका मर्डर हुआ था उस केस की फाइल। अरे ये क्या क्या हुआ सर? इस केस के इंचार्ज विजय जी थे? सर, विजय जी की बीवी शायद इसी केस के बारे में बात कर रही थी जिसको लेकर विजय जी एक्साइटेड थे। इसमें लिखा है घर के अंदर कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, इसका मतलब ये काम किसी अंदर वाले आदमी का है जिसे घर के बारे में पूरी जानकारी थी, इस पर यशवंत जी को पूरा भरोसा था, अच्छी तरीके से पहचानते थे उसे। मगर सर, वो आदमी कौन था जिस पे विजय जी को शक था? मजेदार बात यह है कि उसका नाम विक्रम है। विक्रम पे शक था? हाँ, विक्रम पे शक था, मगर सबूत ना मिलने की वजह से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ था। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये रघु और विक्रम, इसने विजय जी को क्यों बुलवाया और वो ये पेंडिंग केस क्यों खुलवाना चाहता था, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर ये पेंडिंग केस खुल गया तो वो फंस जाएगा, क्योंकि दुनिया की नजरों में वो विक्रम है। इसका मतलब रघु को पता चल गया था कि असली खूनी कौन है, यशवंत जी का खून किसने किया और किसने वो पेंटिंग चुराई। वो चाहता था कि असली खूनी पकड़ा जाए जिसकी वजह से विक्रम का नाम इस केस से साफ हो जाए, रघु बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके विक्रम बनके। सर, यशवंत जी का खून किसने किया और वो पेंटिंग किसने चुराई? कोई ऐसा आदमी जिसे मालूम था कि विक्रम विक्रम नहीं रघु है। ओ डार्लिंग, अभी तक तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। यू नो व्हाट, सांप का काटा बच सकता है, बिच्छू का काटा बच सकता है, लेकिन मेरा यू जस्ट डोंट वरी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तुम तो जान हो हमारी, सारे रास्ते साफ हो चुके और अब जल्दी तुम हमारी दुल्हन बनोगी और इस सारी जायदाद। सर, आप यहाँ? हाँ, वो शादी का तोहफा देना था। तोहफा? कैसा तोहफा सर? खुद ही देख लो। सर, ये तो वही पेंटिंग है जो मेरे मामा यशवंत के घर से चोरी हुई थी। हाँ, रघु के घर से मिली, उसी ने चुराई थी। थैंक यू सर। सर, मेरे भाई के कातिल का पता चला? हाँ, पता चल भी गया है और नहीं भी। मतलब ये कि हम जानते हैं खूनी कौन है, पर हम चाहते हैं कि वो खुद ही सब कुछ उगल दे। कौन है सर, किसने मारा मेरे भाई को? शायद तुम। मैं भला अपने भाई का खून क्यों करूंगा सर? भाई को नहीं, रघु को तो मार ही सकते हो ना। अपने अंकल यशवंत को मार सकते हो। सर, मैं नहीं मारा है, अपने मामा यशवंत को और उन तीनों को भी। क्यों क्यों मारा अपने अंकल यशवंत को? मैं अपने मामा को नहीं मारना चाहता था सर, लेकिन उन्होंने मुझे वो पेंटिंग्स चुराते हुए देख लिया। और कहीं वो पुलिस को ना बता दे, इसलिए तुमने उन्हें अपने रास्ते से ही हटा दिया। और फंस गया विक्रम, तो फिर रघु उर्फ विक्रम, उसे क्यों मारा तुमने? सर, मुझे पता चल गया था कि प्लेन क्रैश में मेरे भाई की मौत हो गई है और उसकी जगह वो रघु बहरुपिया बन के आ गया, इसलिए मैंने उसको भी मार डाला सर। और उस रघु उर्फ विक्रम को ये पता चल गया था कि वो पेंटिंग्स तुमने चुराई थी। हाँ, और उस दिन उसने वही बताने के लिए इंस्पेक्टर विजय को छत पर भी बुलाया था। और इससे पहले कि इंस्पेक्टर विजय को सच्चाई का पता चल जाता, तुमने उन तीनों का खून कर दिया। हाँ सर। बहुत खूब,
बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई थी तुम। तुम्हारे सारे पत्ते एक झटके में बिखर गए। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जो बोओगे वही पाओगे। जिस रस्सी के सहारे तुमने उन तीनों का खून कर दिया, वही रस्सी तुम्हारे फांसी का फंदा बनेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.